लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या दो लोग? दो लोग थे, मैं सच कर रहा भाई। क्या दो लोग? हैं? दो लोग इतना बड़ा कांड कर सकते हैं क्या? भाई मेरा यकीन कर रहा हूँ, दोनों ने नकाब पहना होता इसलिए। चुप! अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेम बिगाड़ डाला। कैसे भरेगा इतना बड़ा खड्डा? कैसे भरेगा मैं? और जवाब बाप को नहीं, बाप के बाप को देना है। ठिकाने लगा इसको। तेरे को कुछ पता है कि नहीं? हाँ, तू बात क्या कर। बोलता है? रुक, वो मनी बोल रहा है कि उसको पैसे की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ बोल पप्पू। भाई अपन ने जो लिस्ट बनाया था ना, मैंने सबको चेक किया, एक एक का डिटेल मैंने पूरा बराबर निकाला है, लेकिन इनमें से किसी का हाथ है ऐसा लगता नहीं अपन। भाई रघु फोन नहीं उठा रहा है, उसके छोकरे लोगों को अपन ने मैसेज किया था लेकिन साले लोगों का कोई जवाब नहीं आया। ये नाम दिमाग से कैसा निकल गया रे? रघुनाथ पांडे। ठोक डालो उसके आदमी लोग को, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। इधर रुक, मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता है अभी। हाँ करता है मैं फोन। भाई वो टोपी का फोन था, वो बोल रहा था कि अपने बच्चा लोग पर अटैक हुआ। हाँ भाई। कोई गया क्या? अपने दो छोकरे लोग टपक गए ले भाई। इस बार मुख्तार के गेम का मजा आना ही चाहिए। पैसा कोई उसका चोरी करेगा और वो अपुन के छोकरे को टपकाएगा। अपने दो आदमी के मरने का खबर उसके चार आदमी के मरने का खबर बनना चाहिए। मैं इस वक्त मुंबई के साहिल इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ पर चार लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस इसे गैंग वॉर मान रही है। पुलिस इस गैंग वॉर को रोकने में अब तक पूरी तरह नाकाम रही है। तक की सबसे बड़ी घटना है, इस घटना में कुल पाँच लोगों। ये सब क्या चल रहा है शहर में? हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त अंधेरी इलाके के गिलवॉर। अपोजिशन का हाथ रघु के सर पे है तो क्या टेढ़छाना बनेगा? पैसा उसी ने चुराया है, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि खार इलाके में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस गैंगवार का कारण एक बहुत बड़ी रकम की चोरी है, जिसकी वजह से दो गुटों के बीच में जंग छिड़ गई है। मेरी बात करो। हेलो, ये शहर में क्या हो रहा है पवार साहब? आपकी होम मिनिस्ट्री सो रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मुट्ठी भर गुंडों को कंट्रोल नहीं कर पा रही आपकी गवर्नमेंट? हाँ, हम लोग कोशिश में लगे हैं और मेरी कली होम सेक्रेटरी से इस बारे में बात हुई है। हालात सुधारिए, ऑपोजिशन पहले ही हमारी सरकार गिराने की फिराक में लगी हुई है। कल तक रिपोर्ट्स चाहिए। कमिश्नर साहब को फोन लगाओ। हेलो कमिश्नर। जी सर। मुख्तार मेनन को अरेस्ट करवाओ। जी सर। चाहे किसी भी जुर्म में, ये गैंगवार बंद होनी ही चाहिए। ओके सर।
का? बाकी का ये ले पांच। मुख्तार खान, भाई किधर गया? भाई भाई पुलिस, भाई पुलिस। ए, निकलो 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 तुम लोग। ए, माल को फेंक डाल, पानी में फेंक डाल, लेके जाए इसको, लेके जाए। चल 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 निकल। कहाँ जा रहे हो भैया? क्या हुआ? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? कहाँ, क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है मुख्तार, पुलिस स्टेशन में बैठ के डिस्कस करते ना। चल भाजी पाव मंगाते हैं, खाते खाते बात करते ना भाई। पुलिस स्टेशन का हो जाएगा मैं? हाँ, क्या किया है मैं? क्राइम बोलो, क्राइम बोलो, बोलो क्राइम बोलो, क्या किया? ये किया है। ये ले 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 ले, तेरा क्राइम मिल गया तेरे को, तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल गया। कम से कम 5 खोखे का माल है, इतनी लंबी लगेगी कि जिंदगी कम पड़ जाएगी। मैडी सर, ग्रेट जॉब, वेल डन। अरे मैडी, भाईजान को इज्जत से ले जाने का है तो क्या करना पड़ेगा? हथकड़ी लगानी पड़ेगी। हाँ ले भाई, लगा तू, तो अच्छा लगा था। हाँ जरा संभाल के, हाँ भाई की बहुत इज्जत है यहाँ पे। तुम लोग मेरे साथ ये करके क्यों अपना लाइफ को टेंशन में डाल देंगे? क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए मैं देगा। क्या 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 चाहिए, कितना चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़ मैं देगा, अब भी देगा, रोकड़ा देगा, रोकड़ा। रोकड़ा नहीं चाहिए मुख्तार, तेरी जान चाहिए, देगा। वेल डन ऑफिसर, डिपार्टमेंट तेरे को प्रमोशन देगा, पन रिटायर मैं करेगा तेरे को। मुख्तार का ये बात लिख के रख। चल चल जा। ए, इतनी बड़ी बात बोल के गया वो और तू हंस रहा है। भाव, बचपन से ये डायलॉग सुनता आ रहा हूं, जब भी कोई विलेन ऐसी बातें करता है ना, एंड में कुत्ते की तरह मार खाता है। क्या बात है, चल बैग ले। सब मेरा खुदा हुआ खफा, ये पल है आखरी है ये एंड भी, ये पल है आखरी योरी एंड भी। इस ऑपरेशन के इंचार्ज यूनिट 9 के ऑफिसर एकलव्य करमरकर ने मीडिया को बताया कि वो जल्द ही इसके बारे में और खुलासा करेंगे, पर हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि मुख्तार को ड्रग्स की डील करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। Good job, Mary. Well done. Thank you, sir. आज से गैंगवार वैंगवार बंद हुआ, शहर भी शांति की सांस लेगा और हम लोग भी। अरे कौन सी शांति, किसकी सांस? आज कमिश्नर का फोन आ गया था, तो यह हाल है। कल किसी पॉलिटिशियन का फोन आ जाए। अरे उसकी माँ का मत बोल ऐसे यार। जी हाँ, 93.8 गुड एफएम पर मैं हूँ ऋतुराज, हर रोज की तरह आपका चहेता प्रोग्राम बातों बातों में लेकर हाजिर हूँ। भाई बातों बातों में तो बात बनती है, बात निकलती है तो दूर तक जाती है, बात लगती है बात चुभती है, इसलिए लगने और चुभने की बातों से दूर बातों में आए लव्स बात संभालेंगे, बातें संभलेंगी तो रिश्ते संभलेंगे। भाई शहर में आईपीएल की मस्ती जोरों पर है,
क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और ये बुखार शहर को इसलिए भी रास आ रहा है क्योंकि शहर में सुकून है, शांति है। मुख्तार मेमन की गिरफ्तारी से शहर को बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ समय से शहर में गैंगवॉर का माहौल था, अमन चैन छिन गया था। पूजा, क्या हुआ? मुख्तार तो अरेस्ट हो गया, गैंग वॉर भी खत्म, अब फुर्सत मिली अपने घर के लिए। अब क्या करना है मुझे? थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े हो सब? ठीक है बाबा, मत खाओ। ओके चलो, प्लेट रख दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनो 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 सुनो। अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाइयां कैसे लोगी? मुझसे खाना खाया नहीं जाता, बिल्कुल मन नहीं करता, तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है। तुमसे पहले नेहा भी बहुत जिद कर रही थी, मैंने उसे डांट कर निकाल दिया। तुम जानती हो वो क्यों जिद कर रही थी? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी माँ एकदम ठीक हो जाए। वो वाली माँ, पक 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 पक, ये वाली माँ नहीं, वो वाली माँ। उसके फाइनल एग्जाम भी आ रहे हैं और मैं। अरे तुम रोना मत, सुनो सुनो, रो मत रो मत, सुनो देखो देखो, she'll be fine, थोड़ा खा लेते, ओके? ओके ओके, लिसन 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 लिसन, खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? थोड़ा खा लेते, ओके? थोड़ा खाएं, कम आ जाओ, थोड़ा खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मामा बुला रही। I'm sorry बेटा, sorry। बाबा कुठे जाऊन आले तुम्ही? इकडे इकडे, बस बस। आज अब फिर काम पे जाके आए ना? इधर बैठे, बैठ बैठ बैठ। आज 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 बेटे तू जल्दी आ गया। आप बात को घुमाइए मत, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था? अरे बेटा, ये बहू के इलाज पे कितना खर्च हो रहा है और तेरी तनख्वाही कितनी है? अब मैं अगर छोटा मोटा काम करके थोड़ी मदद कर दूं तो फिर क्या हर्ज है उसमें? काय बाप। और फिर बेटा ये जो पारिवारिक परेशानियां होती हैं ना, ये अच्छों अच्छों को रास्ते से भटका देती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बेटे के साथ ऐसा हो। बाबा ये बा हाँ एरिक बोल। नहीं नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, मुख्तार अंदर से गैंगवॉर चला रहा है, डोज देना पड़ेगा उसको। जैन सर, ये एक्सपेक्टेड था नहीं, मुख्तार रुकेगा नहीं, रुकना हमें। कुछ दिन शांत रहने के बाद दो गुटों के बीच गैंग वॉर फिर चल रही है। जयपुर इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें कि दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है, तीन लोगों की मौत। शहर के खून खराबे से आम आदमी में दहशत है। कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तव्यस्त झाली आहे, विद्रोह मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो। मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस को कुछ भी करके गैंग वॉर को कंट्रोल करना चाहिए।
क्या साहब, उनका हालचाल जानने को आया है क्या? ये चल रहा है चायला साहब लोग के लिए। बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं, पूछना था कि साहब का इरादा क्या है। अबे वो जो तू शहर में करवा रहा है उससे तेरी मुश्किलें कम नहीं होगी, जानता है ना तू? क्या भाव, ये पुलिस वाला होके नेता जैसा बात काहे को करता है? मैं इधर बैठा है और तुम लोग मेरे को मिलने को आया है, तो मुश्किल किसका बड़ा, मेरा कि तुम लोग का? हाँ, क्या समझे तुम लोग? मुख्तार अंदर तो मुख्तार खल्लास, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता। ए, 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 मुख्तार, ये खेल खेल रहा है ना तू? उसको बंद कर, ये बोलने हैं हम, समझ रहा है? खेल बंद होने के लिए थोड़ी होता है, खेल तो शुरू होता है और खत्म होता है। एक पार्टी खेल शुरू करता है, दूसरा पार्टी खत्म करता है। अभी मैं खेल शुरू किया, तुम लोग खत्म। शायद तू ये सोच रहा है कि जो तू कर रहा ठीक कर रहा है इसलिए क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। बहुत डेरिंग है तू, तो इतना जान ले हमें तेरी जिंदगी से नफरत है। साला टोक का सटक लड़ा है। साहब, अपन को अपना एंडिंग मालूम है, उसके बाद ही ये धंधे में हाथ डाला। मेरे को अपना नाम बहुत बड़ा करके जाने का है, वो टाइम आना ही मांगता है जब तुम जैसा अफसर किसी नए क्रिमिनल को पकड़ के लावे और लॉकअप में उसे धोवे और उसे पूछे, क्या रे अपने आप को मुख्तार मेमन समझता है क्या? चलो 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 चलो। वो अपना कैसा है नया अफसर माधव, उसका ख्याल रखो। हाँ, बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। मैडी को तू हाथ लगा के दिखा। अरे कहाँ से गोली चली और कहाँ से धुआं निकला समझ में जाएगा तेरे को, समझा तू? नहीं, हाथ मत, हाथ क्यों लगा रहा उसको यार? अबे बच्चे का क्या बिगाड़ेगा तू? अब समझ में आया हमारी बात, तेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ते, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छोड़ा संभाल अपना, मुझे संभाल के चल। उल्टी गिनती चल। ये मुख्तार जैसे लोगों को ना जेल और कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, सिर डाल देने का। तेरी ये राय है ना, मैं सेंटर में सिफारिश करूंगा। किससे? प्राइम मिनिस्टर से यार, कल सुबह सुबह चाय पे बुलाया यार। अरे पॉसिबल नहीं है ना, वो तो ब्रेकफास्ट मेरे साथ कर रहे कल। ब्रेकफास्ट तेरे साथ फेसबुक पे करूं? अरे भाई कितना टाइम लगा दिया, आधा घंटा बोल के गए थे, 18 मिनट में आ गए। भाई 10 मिनट में वापस आने वाले थे हरिक भाई, फिर जाते ही उसने गले लगा लिया, क्या करें। बोल रहा था कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे कोर्ट में। भाई वाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम लोग एक क्रिमिनल की मदद करेंगे अभी। अरे यार, तो हमारी बातों का वो मतलब मत निकाल जो उससे मतलब निकलता हो। हम लोग काम की बात करते करते इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, और इधर उधर की बात करते करते काम की बातें भी कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अरे इसको टाइम लगेगा यार, मेरे को 10 साल लगे थे समझने में। बाबा भाई, ये मुख्तार बोल क्या रहा था? उसकी बीमारी कुछ ज्यादा ही गहरी है, नई दवाइयाँ देनी पड़ेगी, उसका पावर खत्म करने के लिए एक गेम खेलना ही पड़ेगा। नहीं, तुम रघु के पास चले जाओ। चल मड़ी भाई। अरे तू राजा के पास चला जा। चल फिर फोन करना मेरे को। यस।